देखो फ्रेंड्स मुझे क्या मिला यहाँ पे, पार्ले जी भी है। मुझे लगता है ये इंडियन स्टोर में, मतलब इंडिया में भी नहीं मिलता होगा, अभी यहाँ पे ही मिल रहा है पार्ले जी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मैं तो बढ़िया हूँ। आज संडे है, हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग का दिन है एंड इट्स रेनिंग। हमें जाना है कोल्स, हम लोग कोल्स से काफ़ी चीज़ें लेते हैं, तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं पर इट्स रेनिंग, तो हम लोग वेट कर रहे हैं थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि बार बार यहाँ पे होती रहती है, बंद होती रहती है। वी आर रेडी टू गो, और चलिए आप भी दिखाते हैं यहाँ पे कहाँ ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं हम। फ्रेंड्स सो हम लोगों ने ट्रैम नहीं लिया एंड वी आर वॉकिंग, सो इट्स वेरी नाइस वेदर एक्चुअली, सुहाना सफ़र, और हम लोग वॉक कर रहे हैं एंड वी आर वॉकिंग एंड गोइंग टू कोल्स फॉर आर ग्रॉसरी शॉपिंग। तो enjoying the weather, see it's a beautiful weather. Actually यहाँ पे ठंड रहती है पर आज बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, और पहले drizzling मतलब थोड़ी सी बारिश हुई थी और अभी बारिश रुक गई है, तो अच्छा लग रहा है। फिर भी मैंने ऐसे पूरा कवर कर लिया अपने आप को कि ताकि मैं गीली ना हो जाऊँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। पहुंच चुके हैं उस एरिया में जहाँ पे मुए पॉइंट्स का सेंट्रल है, और यहीं पे सारे शॉपिंग के हैं, के मार्ट है, वुल्सवर्थ, कोल्स, अल्डी, तो यहाँ पे सारी ग्रॉसरी की शॉपिंग कर सकते हैं, और भी के मार्ट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ए टू जेड आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आप लोग सोचोगे अभी भी कैप लगा रही, वैसे बारिश तो नहीं हो रही है पर मेरे लंबे बाल है और बारिश की वजह से गीले हो जाते हैं और सूखने में तो लंबे बालों का, सो दैट्स वाई। And we are waiting for the signal and now we'll go to Coles. You know, पहुंच चुके हैं finally Coles में. Let's go inside. I'll show you यहाँ पे कैसा रहता है shopping का, grocery shopping का. हाँ, मैं सामने fruits वगैरह रखे हैं, flowers, सब कुछ रखा हुआ है. सब कुछ साफ सुथरा आपको धुला धुला मिल जाता. यहाँ पे फ्लावर्स रखे, तो यहाँ पे नॉन वेज रखे हुए हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जो ब्रेड बहुत खाते हैं, दिस इज अ फ्रेंच ब्रेड बेकरी, बहुत डिफरेंट टाइप के ब्रेड आपको मिल जाएंगे इसमें, बहुत ही ब्रेड की शौकीन है लोग। और अगर आपको ट्रॉली लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, पर हमें ज़रूरत थी क्योंकि ट्रैम भी है और ट्रैम में ही एक दो चीज़ें लेनी है तो ट्रैम में रखी जा सकती है आराम से। बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक ट्रॉली, और बड़ी ट्रॉली रहती है छोटी, और बड़ी ट्रॉली में आपको बच्चे को लिटाने का भी वो जो होता है ना सीट, वो भी मिलती है। तो देखिए आपको एक कॉइन डालना पड़ता है उसके। $50 kg। यहाँ पे इस तरीके से आपको वेजिटेबल्स मिल जाएंगे, एकदम क्लीन है, और नीचे ये देखो इनको वो रखने के लिए फ्रीज बर्फ रखी हुई है। ओह माय गॉड, ये है $2.50 की एक, $2.50 की एक गोभी, और ऐसी सारी वेजिटेबल्स फ्रीज मतलब आइस में रखी हुई है और एकदम साफ सुथरी क्लीन करके रखी हुई है, तो इट्स इजी टू मेक आल्सो। आरू व्हाट आर यू डूइंग? यहाँ पे
कितने सारे ड्राई फ्रूट्स, बहुत टाइप के ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, मुझे नाम भी नहीं पता कितने सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। बादाम यहाँ पे हैं $22 एक के जी, कितना होता है 1100 है एक के जी। फ्रूट विच इज़ बनाना, और आरू को भी बहुत पसंद है बनाना, पर अभी हम लोग नहीं लेके जा रहे क्योंकि हैंड चल रही है, ले लूँगे फिर भी। और ये है $5 पर केजी, दैट इज़ ₹250 इन इंडिया। और ये है एप्पल्स की रेंज, मतलब एप्पल की वैरायटी है, पूरी लेन सिर्फ एप्पल्स की है, डिफरेंट वैरायटी रखी हुई है। और वहाँ पे एंड में वेइंग स्केल है, तो आप वेह करके जितना भी आपको एप्पल चाहिए उतना लेके जा सकते हैं, पॉलिथिन में डाल के, वो पॉलिथिन भी रखा हुआ है। यहाँ पे सबसे यहाँ पे महंगी चीज़ें जो मिलती हैं वो है धनिया और पुदीना। इतना धनिया तो हमारे एक बार की बिरयानी में डल जाता है, पुलाव में तो बल्कि इससे भी ज़्यादा डालते हैं। तो ये $4 विच इज़ ₹200 इन इंडिया। तो इतना सा धनिया, इतना सा पुदीना आपको $4 में मिलता है, विच इज़ लाइक दिस, इतना सा। तो फिर रखे हैं प्याज की वैरायटी, तो ये है 175, मतलब $3.50 की प्याज। और सबसे महंगी चीज़ है अदरक, जो कि है ₹1200 के जी, काफ़ी महंगा। ये अच्छी बात है यहाँ पे कि फ्रूट्स बहुत सस्ते हैं और ये चीज़ें महंगी हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है इस हिसाब से हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खा पाते हैं, तो हम लोग ये अच्छी बात है कि फ्रूट सस्ते हैं पर ये चीज़ें थोड़ी महंगी। तो यहाँ पे सारे मीट का सेक्शन है, वैसे बहुत बड़ी, कपड़े से लेके बहुत सारी चीजें मिलती है कोल्स में, और यहाँ पे फ्रेश मीट रखा हुआ है। और यहाँ पे पूरा का पूरा चिकन आपको मिल जाएगा $4.50, जो कि है ₹215, और पूरा फ्रेश आपको साफ सुथरा मिल जाएगा। और ये लेग पीसेस तो बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं, $6 के हैं, 1 kg है $6 का। लेग पीसेस यहाँ पे सस्ते इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत होते हैं और उसमें बहुत फैट होता है, बल्कि इंडिया में लेग पीसेस थोड़ा महंगा मिलता है। तो ब्रेस्ट जो पीस होता है वो थोड़ा महंगा होता है और लेग पीस बहुत सस्ता होता है क्योंकि उसमें फैट बहुत रहता है। मतलब बहुत वैरायटी ब्रेड की, क्योंकि ब्रेड तो यहाँ पे मेन खाना है ना, रोटी वोटी तो खाते नहीं है, ब्रेड ही मेन है, तो उसकी ओवर वैरायटी मिल जाएगी, मल्टी ग्रेन, सोया, लाइक एनी काइंड ऑफ ब्रेड। बहुत ही बड़ा सेक्शन है, पूरा राउंड करके सिर्फ ब्रेड का सेक्शन है, तो बहुत वैरायटी की ब्रेड आपको यहाँ पे खाने के लिए। ये मल्टी ग्रेन ब्रेड फ्रेंड्स मिल रही है मतलब $2 की, तो मतलब ₹100, एंड इसमें ओट्स भी लगे हुए हैं, मल्टी ग्रेन है, हेल्दी है। एंड सी द वैरायटी गोज ऑन, ये पूरे ब्रेड की वैरायटी चल रही है। एंड ये है $1 का, मतलब ₹50 $1 समथिंग का। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुकीज़ को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है कुकीज़ की। ये है दो आपको मिल जाएगी $5 में, दैट इज़ $250, दो ऐसे पैकेट।
और बहुत सारी वैरायटी चॉकलेट डिफरेंट फ्लेवर्स मतलब सारे फ्रूट फ्लेवर्स हैं कुछ हेल्थ वाली हैं हाई फाइबर वाली हैं और चॉकलेट है और बहुत सारे टाइप की कुकीज़ हैं यहाँ पर क्रीम बन भी रखी हुई है $4 का है ₹200 का तो हम लोग चॉकलेट वाले लेके गए थे रिसेंटली रखे हुए हैं हम लोगों ने खाए कल खाए थे तो ये टेस्टी लगते हैं सो दिस इज़ द ब्रांड विच आई लाइक विनिंग्स ऑफ लंडन ये $5 का एक पैकेट और इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं ग्रीन टी लेमन यू हैव डिफरेंट फ्लेवर्स एंड इफ यू आर अ हेल्थ फ्रीक एंड यू लाइक ग्रीन टी सो यू कैन हैव और यहाँ पे रखे हैं लॉन्ग लाइफ मिल्क जो कि महीने महीने आप घर में रख सकते हैं और ख़राब नहीं होते तो एलमंड मिल्क ओट मिल्क जो कि काफ़ी हेल्दी भी होते हैं आपके लिए वो सब टाइप के मिल्क यहाँ पे रखे हैं जैसे कि ये फुल क्रीम मिल्क है तो ये है $1 का एक 1 kg $1 का स्टीप ऑल्सो और हम लोग यहाँ से मिल्क लेते हैं ये $3 का फुल क्रीम 3 kgs का आपको मिल जाएगा विच इज़ वेरी चीप आई थिंक इंडिया का सेम रेट है $3 मतलब 150 का फुल क्रीम मिल्क आपको मिल जाएगा 3 kgs 3 liter मतलब इसलिए हम लोग दूध यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीते हैं मिल्क की वेराइटी बहुत सारी है स्ट्रॉबेरी मिल्क कॉफ़ी मिल्क चॉकलेट मिल्क एंड दिस इज $4 फॉर 2 kgs 2 liter तो मतलब 200 का आपको फ्लेवर्ड मिल्क मिल जाएगा 2 liter का और एलमंड मिल्क भी है जो कि हेल्दी ऑप्शन है अगर आप हेल्दी या खाना चाहते हो तो यू कैन हैव यहाँ पे डबल क्रीम मतलब जो क्रीम चिकन क्रीम होती है उसकी बहुत सारी वैरायटी है चॉकलेट से लेकर बहुत सारी वैरायटी तो $2 का है 600 ml का एक बॉटल एंड यू कैन सी द होल वैरायटी ऑफ फुल क्रीम वहाँ तक सिर्फ योगर्ट की वैरायटी है बहुत सारे डिफरेंट टाइप की ग्रीक योगर्ट डिफरेंट फ्लेवर की स्ट्रॉबेरी चॉकलेट सारे मैंगो तो यहाँ पे लोग योगर्ट बहुत खाते हैं विच इज़ हेल्दी ऑल्सो और बहुत सारी वैरायटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी बताते हैं दिस इज़ द वनीला योगर्ट जो कि है फैट फ्री $3 का है ₹150 फ्रेंड्स जूस की वैरायटी कैरेट से लेकर मतलब हर टाइप के एप्पल ऑरेंज जूस सब कुछ है पर अभी ठंडी है तो हम लोग नहीं ले रहे हैं $60 का $60 का 3 liter है ये 3.50 liter $60 का डजन ₹350 का 3 liter का मिल जाएगा एंड दिस इज द होल वेराइटी ऑफ बटर सॉल्टेड अनसॉल्टेड और कोलेस्ट्रॉल फ्री और हेल्दी बहुत टाइप के बटर आपको पूरी रेंज है स्प्रेड है ये रेगुलर स्प्रेड बहुत सारे फ्लेवर के रखे हुए हैं और हम लोग ये वाला बटर लेते हैं जो कि है $5 का 500 ग्राम सॉल्टेड बटर नॉर्मल हम लोग लेते हैं वैसे बहुत टाइप के मिल जाएंगे सॉल्टेड अनसॉल्टेड कोलेस्ट्रॉल फ्री स्प्रेड तो बहुत ही टाइप के हैं तो क्योंकि यहाँ पे यही टाइप का खाना होता है ब्रेड के साथ तो बहुत सारी वैरायटी है दिस इज विद ओमेगा 6 एंड विटामिन ई स्प्रेड है ये ब्रेड स्प्रेड ओमेगा 6 एंड विटामिन ई तो हेल्थ के तो इतने ज़्यादा ऑलिव ग्रुप पता नहीं कितने हेल्थ वाले ही स्प्रेड रखे हुए हैं आपको यहाँ पे ग्रॉसरी के लिए आएंगे पर आपको यहाँ पे हर टाइप की चीज़ मिल जाएगी मतलब उधर शैम्पू वगैरह सारी क्रीम का सेक्शन है और यहाँ पे यूटेंसिल्स रखे हैं स्टेशनरी का एक सेक्शन था और कपड़ों का भी एक सेक्शन है तो कोल्स में यू कैन गेट एनी थिंग और एक हेल्थ का भी एक सेक्शन है एक इंडियन ग्रॉसरी का है हाँ इंडियन ग्रॉसरी एक इंडियन ग्रॉसरी का भी सेक्शन है जो मैं आपको भी दिखाती हूँ
बहुत ज्यादा वैरायटी तो नहीं, पर नॉर्मल आपको बेसिक यहाँ पे मिल जाएंगे, टी शर्ट्स, जैकेट, स्वेटर्स, क्योंकि अभी ठंडियाँ चल रही थी तो यहाँ पे स्वेटर काफ़ी मिल रहे थे, और अभी सेल भी चल रही है क्योंकि यहाँ पे जैसे सीजन ऑफ होता है तो सेल में आ जाती है चीज़ें, तो सेल और कपड़े भी यहाँ पे आपको कोल्स में मिल जाते हैं। और उधर बच्चों का सेक्शन है जिसमें बच्चों के बहुत सारे फूड हैं, और हमें मुझे एक बच्चों का कुछ खाना का लेना है क्योंकि बहुत ही हेल्दी बच्चों के फूड भी मिल जाते हैं, स्नैक्स टाइप। तो लेट्स गो एंड बाय समथिंग फॉर आवर रूम। हेल्दी लाइफ सेक्शन, यहाँ पे ओट्स और बहुत टाइप के आपको जो हेल्दी फूड रहते हैं ना, जैसे कि अलसी के बीज और उस टाइप के हेल्दी फूड यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारे टाइप के ओट्स हैं एंड फाइबर वाले फूड, मतलब अगर आपको हेल्दी का है तो यहाँ पे ये जो ओट्स का है ये है $5 का, मतलब इतना बड़ा ओट्स का आपको मिलेगा $2.50 का, और बहुत सारे मतलब वेराइटी है हेल्दी फूड का, हेल्दी लाइफ का ये सेशन है। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कोल्स में तो यहाँ पे ऐसे बोर्ड्स लगे रहते हैं कौन से सेक्शन में कहाँ पे क्या है, तो ये ओट्स एंड ब्रैन लिखा हुआ है। लेट्स गो, बट अभी हमने हेल्दी फूड नहीं लेना, अभी हम लोगों को आरू के लिए कुछ हेल्दी स्नैक्स लेने हैं। चलिए टॉय का नहीं है, मॉल नहीं है, कोल्स है, तो बेसिकली तो ब्रेड वगैरह के लिए है, पर यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी, तो शैम्पू वो सब भी रखा हुआ है। और दिस इज़ अ किड सेक्शन, तो हमें मुझे आरू के लिए कुछ स्नैक्स लेने हैं, यहाँ बेसिक बॉटल्स, टॉयज सब कुछ रखा हुआ है, और ये बेबी फूड है, बच्चों की 1+ ईयर लिखा हुआ है, और इसमें है ब्लूबेरी, बनाना, एप्पल, इसमें है एप्पल और भी हैं बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर के, और योगर्ट तो बहुत सारे बच्चों के रखा हुआ है, तो ये सब हेल्दी में आता है, यहाँ पे बहुत हेल्थ का बच्चों का ध्यान रखा जाता है, तो कभी कभी अगर आप बाहर हैं तो स्नैक्स बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी क्योंकि भागते हैं तो भूख लगती है, तो आप इस टाइप के स्नैक्स अपने साथ रख सकते हैं बच्चों को खिलाने के लिए बीच में इंटरवल्स में। वैसे तो केला और भी फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं, बट दिस ऑल्सो वर्क्स। और ये एशियन फूड का सेक्शन, और इसमें बेसिक आपको मतलब मसाले और इंडियन सीरियल्स ये सब मतलब दालें वाले सब मिल जाएंगी, तो ये है चना दाल जो कि है $3 per kg की है, दैट इज़ 150, और बहुत सारे के मसाले भी आपको मिल जाएंगे, सारे मसाले रखे हैं, चिली पाउडर, गरम मसाला, क्यूमिन पाउडर, जीरा, तो मतलब अगर आपके घर के पास इंडियन स्टोर नहीं है, ग्रोसरी स्टोर नहीं है, तो आप कोल्स आ सकते हैं, क्योंकि कोल्स तो यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट हर एरिया में होता है, पास में ही रहता है, तो यूजुअली लोग उसी के हिसाब से घर भी लेते हैं कि कोल्स पास में, तो उसके हिसाब से लोग घर लेते हैं, तो कोल्स में आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग मिल जाएगा। देखो फ्रेंड्स मुझे क्या मिला यहाँ पे, पार्ले जी भी है, मुझे लगता है ये इंडियन स्टोर में मतलब इंडिया में भी नहीं मिलता होगा, अभी यहाँ पे ही मिल रहा है पार्ले जी, और ये पैराशूट, कोकोनट ऑयल, चटनी, डिफरेंट टाइप की चटनी, हरी चटनी आपको बनी बनाई इसमें मिल जाती है, जो हरी चटनी हम घर में बनाते हैं ना धनिया की, वो आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे वो रखे हुए हैं जैसे चना मसाला बना बनाया, तो लिक्विड फॉर्म में मतलब आप चने को बॉईल करो और इसको मिक्स करो, बस हो गया, और भी बहुत डिफरेंट टाइप के सारे मतलब इंडियन खाने के सारे रखे हुए हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा वैरायटी है, मैंने यहाँ की ऐसी ऐसी वैरायटी देखी है ना मेयोनीज की कि जो मैंने वहाँ पे कभी इंडिया में देखी नहीं थी, और ये पूरा सेक्शन मेयोनीज का है, बहुत सारे टाइप्स की रखी हुई है, क्योंकि लोग खाना पसंद करते हैं मेयोनीज, तो हम लोग देखते हैं अगर कुछ लेके जानी है यहाँ पे से, वैसे तो हमारे घर में बहुत सारी रखी हैं।
शाहरुख के स्नैक्स, और अभी तो हम लोगों ने मसाले दिए थे तो हमें लेने की जरूरत नहीं है, और दूध भी ले लिया तो हम लोग बिलिंग कराएंगे। पर अगर आप इंडिया से, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में तो इंडिया की कोई चीज़ लेनी तो कोल्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नमकीनें रखी हैं डिफरेंट टाइप की, बिस्किट से लेकर मतलब मसालों से लेकर सब कुछ मिल जाएगा। कुछ वैसे जो टिपिकल मसाले होते हैं वो नहीं है यहाँ पे, वो आपको इंडियन ग्रोसरी पे मिलेंगे, पर अगर इंडियन ग्रोसरी पास में है तो कोल्स से आप सब कुछ ले सकते हैं। लेट्स गो फॉर द बिलिंग। बिलिंग होती है, एक काउंटर की होती है जहाँ पे आप कुछ आइटम दे सकते हैं, और एक सेल्फ बिलिंग होती है। तो हम लोगों ने सेल्फ बिलिंग क्योंकि जल्दी हो जाती है तो करवा ली है। लेट्स गो आउट नाउ। हमारी ग्रोसरी शॉपिंग हो चुकी है, अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। बहुत सारी बैठने की जगह है यहाँ पे, हमें सिर्फ मिल्क ही लेना था क्योंकि यहाँ पे मिल्क हम बहुत ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि इतना सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है। और आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं? आई होप मेरी वीडियो से आप ज़्यादा मेलबर्न के बारे में जान पा रहे हैं। यू एंजॉइंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।